क्या आपको सही समय पर नींद नहीं आती है? क्या आपको फोकस करने में परेशानी होती है? क्या हमेशा आपका मूड बिगड़ा रहता है? या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी खोते जा रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी एक ऐसी जिंदगी हो जो मजेदार हो, आकर्षक हो? अगर आपका इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो मेरे पास हैं आपके लिए 10 लाइफ हैक्स जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये हैक्स आपकी जिंदगी बदल देंगे। हैक नंबर 7 और 10 मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला हैक है टाइमर का इस्तेमाल करना। आजकल हमारे पास इतना काम होता है कि एक काम पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। इस मुश्किल को आसान बनता है हम सबके मोबाइल फोन में मौजूद एक ऐप जिसे हम टाइमर कहते हैं। टाइमर हम सबके मोबाइल फोन में मौजूद होता है, पर इसका सही इस्तेमाल करना किसी किसी को आता है। टाइमर न केवल आपकी काम करने की स्थिति में सुधार यानी फोकस इम्प्रूव करता है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन से बचने का भी एक शानदार तरीका है। फोकस करने और अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए टाइमर का इस्तेमाल इन तरीकों से करना चाहिए। पहला, उस काम को पहचाने जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं। दूसरा, 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। तीसरा, टाइमर बंद होने तक अपने काम को करते रहे। चौथा, 5 मिनट का ब्रेक लें। और पांचवा, जब तक काम पूरा न हो तो स्टेप 3 और 4 को दोहराते रहें। टाइमर का असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले एक शांत जगह खोजें जहां आप डिस्टर्ब ना हो। अपने फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बंद कर दें। अगर आप अपने आप को विचलित करते हुए पाते हैं तो एक छोटा ब्रेक लें और फिर काम पर वापस आएं। अगर आपको जरूरत है तो टाइमर को एडजस्ट भी कर सकते हो। टाइमर का उपयोग करना आपकी काम करने की क्षमता और फोकस में सुधार करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। अगर आप ज्यादा काम करने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं तो इसे जरूर आजमाएं। टाइमर का इस्तेमाल करने के और भी बहुत फायदे हैं, जैसे ये आपको सही दिशा पर रहने और सुस्ती से बचने में मदद कर सकता है। ये आपको कम समय में ज्यादा काम करने में मदद कर सकता है। इससे आपको अपना फोकस और कंसंट्रेशन में सुधार करने में मदद कर सकता है। ये आपको तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। यह ज्यादा काम करने और आपका फोकस सुधारने का एक आसान लेकिन असरदार तरीका है। अब बारी आती है दूसरे हैक की, जो है प्रकृति या कुदरत के नजारों को देखना। प्रकृति में समय बिताना आपके मन की हालत में सुधार, तनाव को कम और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप कर सकते हैं तो हर दिन पार्क में जरूर टहलें। इसकी कई वजह हैं कि प्रकृति में समय बिताना हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद क्यों है। पहला, प्रकृति का हमारे दिमाग और शरीर पर एक शांत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जब हम प्रकृति से घिरे होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर का लेवल कम होता है। तीसरा, हम अधिक गहराई से और धीरे धीरे सांस लेते हैं, जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। चौथा, प्रकृति हमें अपने आप से जुड़ने में मदद कर सकती है। पांचवा, जब हम प्रकृति में होते हैं तो हम उस पल में मौजूद होते हैं और हर उस पल को जीते हैं, और हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करते हैं। छठा, प्रकृति हमें अधिक क्रिएटिव होने में मदद कर सकती है। सातवां, प्रकृति में समय बिताने से हमें अपने दिमाग को साफ करने और नए विचारों के साथ आने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति हमें हमेशा एक नया नजरिया देती है। यदि आप अपने मूड को बेहतर बनाने, तनाव को कम करने और अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं, तो मैं आपको प्रकृति में टहलने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। यह आपके शरीर और मन को बेहतर बनाने के लिए एक आसान लेकिन असरदार तरीका है।
अगर आपने प्रकृति में टहलने का मन बना लिया है तो इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक शांत जगह खोजें जहाँ आप डिस्टर्ब ना हो। अपना समय लें और नजारों का आनंद लें। अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें और प्रकृति के नजारों, आवाजों, गंध, स्वाद और बनावट को नोटिस करें। अगर आप अपने आप को तनावग्रस्त या चिंतित पाते हैं तो कुछ गहरी सांसें लें और अपने चारों तरफ ध्यान से देखें। अगर आप क्रिएटिव महसूस कर रहे हैं तो अपने साथ एक नोटबुक लें और किसी भी विचार को लिखें जो आपके दिमाग में आते हैं। प्रकृति में टहलना आराम करने, डिस्ट्रेस और अपने आंतरिक स्वयं के साथ जुड़ने का एक शानदार तरीका है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे हैक पर, जो है ध्यान करना। ध्यान करने से आपका दिमाग शांत होगा और तनाव को भी कम करेगा। ध्यान करने के कई अलग अलग तरीके हैं, इसलिए एक ऐसा तरीका खोजें जो आपके लिए काम करता है। 5 मिनट का ध्यान आपके दिमाग को शांत करने और तनाव को कम करने का एक शानदार तरीका है। ध्यान करने के बहुत से फायदे हैं, उनमें से कुछ ये हैं कि ध्यान आपके दिमाग और शरीर को शांत करने में मदद कर सकता है, जिससे तनाव और चिंता कम हो सकती है। ध्यान आपको अपना फोकस करने और हर पल में मौजूद रहने में मदद कर सकता है। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकता है। ध्यान आपको अपने दिमाग को साफ करने और नए विचारों को आने में मदद कर सकता है और इस तरह क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अगर आप ध्यान के लिए नए हैं तो मैं दिन में सिर्फ 5 मिनट शुरू करने की सलाह देता हूँ। आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस के साथ अधिक सहज हो जाते हैं। ध्यान करने के लिए सबसे पहले एक शांत जगह खोजें जहां आप डिस्टर्ब ना हो। एक आरामदायक स्थिति में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। अपनी सांसों के उठने और गिरने को नोटिस करें। अगर आपका दिमाग भटकता है तो धीरे से इसे अपनी सांस में वापस लाएं। ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है, बस आराम करें और जो महसूस हो रहा है उसका आनंद लें। ध्यान एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस लिस्ट में चौथा लाइफ हैक है संगीत का सुनना। संगीत में आपके मूड को बदलने की शक्ति है, इसलिए ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। यह शास्त्रीय संगीत से लेकर आपके पसंदीदा पॉप गीतों तक कुछ भी हो सकता है। म्यूजिक सुनने के कुछ बेहतरीन फायदे हैं, जैसे म्यूजिक आपके मूड को बेहतर बनाने और आपको ज्यादा पॉजिटिव महसूस करने में मदद कर सकता है। म्यूजिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। म्यूजिक आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने और आपको नए आइडियाज के साथ आने के लिए प्रेरित करता है। सोने से पहले शांत संगीत सुनना आपको अधिक आसानी से सो जाने में मदद कर सकता है। अगर आप अपने मूड को बेहतर बनाने, तनाव को कम करने, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने या अपनी नींद में सुधार करने के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं तो मैं आपको संगीत सुनने के लिए जरूर कहूंगा। सही म्यूजिक चुनने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहले केवल उस तरह के म्यूजिक के बारे में सोचें जो आप आमतौर पर आनंद लेते हैं। किस तरह का म्यूजिक आपको अच्छा लगता है? आप किस तरह का संगीत खुद को गुनगुनाते या गाते हुए पाते हैं? गीतों के गीतों पर ध्यान दें। क्या गीत आपको खुश या प्रेरित महसूस करते हैं? म्यूजिक सुने जो स्पेशली आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई अलग अलग तरह के म्यूजिक हैं जो आपके मूड में सुधार कर सकते हैं, जैसे क्लासिकल म्यूजिक या प्रकृति की आवाज। संगीत सुनना आपके मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने का एक सरल लेकिन असरदार तरीका है। हमारा 5वां लाइफ हैक है सोने से पहले किताब पढ़ना। सोने से पहले एक किताब पढ़ना आपको आराम करने में मदद कर सकता है और अधिक आसानी से सुला सकता है। उन किताबों को पढ़ने से बचें जो बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि इससे सोने में मुश्किल हो सकती है। सोने से पहले किताब पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं,
जिनमें की कुछ ये हैं, जैसे कि ये आपको आराम करने में मदद कर सकता है और अधिक आसानी से सुला सकता है और साथ ही नींद की क्वालिटी में सुधार करता है। पढ़ने से तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है। पढ़ना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने और आपको नए आइडियाज देने में मदद कर सकता है। पढ़ना आपको नई चीजें सीखने और अपने नॉलेज को बढ़ाने में मदद कर सकता है। सोने से पहले पढ़ने के लिए एक ऐसी किताब चुनें जिसका आप आनंद लेते हैं। उन पुस्तकों से बचें जो बहुत रोमांचक या सस्पेंसफुल हैं। एक ऐसी किताब चुनें जो बहुत लंबी न हो। इसके साथ साथ किताब पढ़ने से पहले ये करना ना भूलें, जैसे कि पढ़ने के लिए एक आरामदायक जगह खोजें, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करें, सुनिश्चित करें कि कमरा अंधेरा और शांत है। अगर आपको नींद आने लगती है तो ब्रेक लें। अगर आप किताब खत्म नहीं करते हैं तो चिंता न करें। सोने से पहले एक किताब पढ़ना आपकी नींद की क्वालिटी, तनाव को कम, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने और अपने नॉलेज को बढ़ाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। हमारा अगला और छठा हैक है, सुबह में नींबू पानी पीना। नींबू का पानी आपके दिन को हाइड्रेटेड शुरू करने का एक शानदार तरीका है। नींबू पानी की सामग्री में सबसे अच्छा है और ये जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने और आपके हाइड्रेशन के लेवल में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। नींबू का पानी पाचन में सुधार करने में मदद कर सकता है। नींबू में सिट्रिक एसिड भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को शरीर में सुधार करने में मदद कर सकता है। नींबू विटामिन सी का एक अच्छा जरिया है, जो हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। नींबू एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है, जो आपकी स्किन को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है और झुर्रियों और उम्र के धब्बों को भी काम करता है। नींबू का पानी वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नींबू में साइट्रिक एसिड आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ता है और आपके कैलोरीज को बर्न को करने में मदद कर सकता है। एक अच्छा और जायकेदार नींबू पानी बनाने के लिए आप हमेशा ताज़ा नींबू का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ताज़ा नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो नींबू के पानी का स्वाद बहुत बेहतर होगा। फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल करें। यह पानी से किसी भी अशुद्धियों को दूर करने और नींबू के पानी के स्वाद में सुधार करने में मदद करेगा। आप इसे एक अलग स्वाद देने के लिए अपने नींबू के पानी में दूसरे फलों या जड़ी बूटियों को जोड़ सकते हैं, जैसे अदरक, पुदीना या ककड़ी। नींबू का पानी अपना दिन शुरू करने के लिए एक स्वादिष्ट और स्वस्थ तरीका है। एक अच्छा और सेहतमंद नाश्ता करना हमारा सातवां हैक है। एक स्वस्थ नाश्ता आपको वह एनर्जी देगा जो आपको अपना दिन सही से शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है। अपने नाश्ते में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्थी फैट को शामिल करना ना भूलें। एक स्वस्थ नाश्ता खाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ये एनर्जी के लेवल में सुधार करता है, भूख को कम करता है, कॉन्सेंट्रेशन में सुधार करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है, जिससे आपको पूरे दिन अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है। यदि आप अपनी ऊर्जा के स्तर में सुधार करने, भूख को कम करने, अपने फोकस में सुधार करने और अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक रास्ता तलाश रहे हैं तो आप एक स्वस्थ नाश्ता जरूर करें। एक अच्छे और सेहतमंद नाश्ता खाने के लिए हमेशा साबुत अनाज चुनें। साबुत अनाज फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो आपको लंबे समय तक भरा पेट महसूस करने में मदद कर सकता है। अपने नाश्ते में प्रोटीन जरूर शामिल करें, जिससे आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। अपने नाश्ते में हेल्थी फैट को जरूर जोड़ें। फल और सब्जियां जरूर चुनें। फल और सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है। एक स्वस्थ नाश्ता खाना आपके स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। आठवां लाइफ हैक है,
दिन के दौरान एक पावर झपकी लेना। अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो एक पावर नैप रिचार्ज करने और अपना फोकस करने में मदद कर सकता है। एक पावर झपकी 20 मिनट से अधिक समय तक नहीं होनी चाहिए। पावर नैप लेने के बहुत फायदे हैं, जैसे कि एक पावर नैप आपको जागने के बाद अधिक अलर्ट और फोकस करने में मदद कर सकता है। ये आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम को आसानी से हल करने में मदद कर सकता है। एक पावर नैप आपकी मेमोरी को बेहतर बनाने और याद करने में मदद कर सकता है। ये तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। पावर नैप लेने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पावर नैप लेने के लिए एक शांत जगह खोजें। कोशिश करें कि कमरा अंधेरा और शांत हो ताकि आप एक अच्छी नींद ले सकें। 20 मिनट के लिए अलार्म सेट करें। इससे आपको बहुत लंबे समय तक सोने से बचने में मदद मिलेगी। अपनी झपकी से पहले चाय, कॉफी या अल्कोहल से बचें। इनकी वजह से सोना मुश्किल हो सकता है। उठने के बाद जब आप जागते हैं तो थोड़ा जरूर घूमें। यह आपको ताज़ा और अलर्ट महसूस करने में मदद करेगा। 9. प्रियजनों के साथ समय बिताएं। प्रियजनों के साथ समय बिताना तनाव को कम करने और अपनी खुशी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। उन लोगों के लिए वक्त जरूर निकालें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। प्रियजनों के साथ समय बिताने के कुछ लाभ ये हैं कि ये तनाव को कम करता है, खुशी को बढ़ावा देता है, रिश्तों में सुधार करता है। प्रियजनों के साथ समय बिताना आपको सामाजिक सहायता प्रदान कर सकता है, जो कठिनाई के समय में सहायक हो सकता है। प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसी एक्टिविटीज प्लान करें जिनका आप एक साथ आनंद लेते हैं। ये एक फिल्म देखने के लिए, खेल खेलने के लिए, टहलने के लिए जाना कुछ भी हो सकता है। जब आप प्रियजनों के साथ समय बिता रहे हों, तो निश्चित रूप से वहां मौजूद होना सुनिश्चित करें। अपने प्रियजनों को सुने, क्योंकि कहने से ज्यादा सुनना कहीं ज्यादा जरूरी है। अपने प्रियजनों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें जब उन्हें आपकी आवश्यकता हो। 10. और सबसे महत्वपूर्ण हैक है, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना अपने बारे में अच्छा महसूस करने और दुनिया में फर्क करने का एक शानदार तरीका है। दूसरों की मदद करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आपका समय दान करना या बस दूसरों के लिए दयालु होना। ये करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे दूसरों की मदद करना आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने और अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। दूसरों की मदद करना आपको दुनिया में एक अंतर बनाने और इसे बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकता है। दूसरों की मदद करना आपको दूसरों के साथ जुड़ने और संबंध बनाने में मदद कर सकता है। दूसरों की मदद करने से आपको नई चीजें सीखने और नए स्किल्स हासिल करने में मदद मिल सकती है। दूसरों की मदद करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। एक ऐसा कारण खोजें जिसके बारे में आप इमोशनल हों। ऐसे कई संगठन हैं जिन्हें स्वयंसेवकों या वॉलंटियर्स की जरूरत होती है। आप अपने कम्युनिटी में ऑनलाइन या अपने दोस्तों और परिवार से पूछकर स्वयंसेवक के अवसर पा सकते हैं। कई धर्मार्थ हैं जो दुनिया में महान काम कर रहे हैं। आप उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए धन, समय या सामान दान कर सकते हैं। दयालुता के छोटे कार्य किसी के दिन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोगों के साथ हमेशा मुस्कुराकर मिलें, उनके लिए दरवाजा खुला रखें और जब आप कर सकते हैं तो मदद करने की पेशकश करें। ये कई यूनिक, अट्रैक्टिव और आराम से करने वाले हैक्स हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। यदि आप इनमें से कुछ हैक्स को भी लागू करते हैं तो आप एक अधिक अनोखे, आकर्षक और उल्लेखनीय जीवन जीने के अपने रास्ते पर होंगे। फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज ही इन लाइफ हैक्स को लागू करना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि ये लाइफ हैक्स आपके लिए मददगार साबित होंगे। याद रखें, आपको ये सभी लाइफ हैक्स को एक बार में आजमाने की जरूरत नहीं है।
बस इनमें से कुछ लाइफ हैक्स को चुनें जो आपको लगता है कि आप आनंद के साथ कर लेंगे और कुछ हफ्तों तक उनको फॉलो करते रहें, फिर देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं और उसके बाद तय करें कि क्या आप बाकी के लाइफ हैक्स फॉलो करना चाहते हैं या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये पता लगाएं कि आपके लिए कौन सा लाइफ हैक काम करता है और इसमें आप छोटे बदलाव कर सकते हैं ताकि आप इन लाइफ हैक्स को लंबे समय तक फॉलो करें। थोड़े प्रयास के साथ आप एक अधिक अनोखा और आकर्षक जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी किसी ना किसी तरह से मदद जरूर करेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम अपने अगले वीडियो में कुछ और अद्भुत फैक्ट्स और लाइफ हैक्स के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।